नमस्कार, शुभदा विद्यालय यूट्यूब चॅनलमध्ये पुन्हा एकदा आपली शिंदे मॅडम आपलं मनापासून स्वागत करत आहे. आज आपण इयत्ता 5वीच्या वर्गाचा हिंदी विषयाचा तास घेणार आहोत आणि या तासाला आपण सातत्यपूर्ण सर्वकष मूल्यमापन प्रथम सत्र संकलित मूल्यमापनाची 40 गुणांची प्रश्नपत्रिका आपण या ठिकाणी उत्तरासहित सोडवणार आहोत. ही प्रश्नपत्रिका आपल्याला नक्कीच उपयोगी ठरणारी. यासारख्या इतर विषयांच्या प्रश्नपत्रिका पाहण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनवर क्लिक करा, म्हणजे नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन आपल्यापर्यंत सहज पोहोचेल. प्रश्न पहिला हो, निम्नलिखित प्रश्नों के जवाब पूरे वाक्यों में लिखो. एक, गर्मी से तपते लोगों को बूंदे क्या पहुँचाती है? 5 अंकों के लिए उत्तर, गर्मी से तपते लोगों को बूंदे शीतलता पहुँचाती है. दो, नीम की शीतल छाया किसके कारण है? उत्तर, नीम की शीतल छाया घनी पत्तों के कारण है. 3, किसान का नाम क्या है? उत्तर, किसान का नाम रामदीन है. 4, चौराहे पर वर्दी पहनकर कौन खड़ा है? उत्तर, चौराहे पर पुलिस का सिपाही वर्दी पहने खड़ा था किंवा है. क्षमा की माताजी क्या काम करती है? क्षमा की माताजी सरपंच का काम करती है. ब, किसने किससे कहा? 3 अंकों के लिए. 1, कल मेरी बहन का जन्मदिन है. जवाब, क्षमा ने सभी बच्चों से कहा. 2, हम दूर तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं. जवाब, रामदीन ने अपने चारों बेटों से कहा. 3, आज से कर्मवीर राज्य के नए मंत्री होंगे. जवाब, राजा ने जगत राम से कहा. पुढचा प्रश्न, अ, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. प्रश्न दूसरा, 5 अंकों के लिए. पूरे देश में खुशहाली लाओ. 2, खेत में नन्हे नन्हे अंकुर निकल आए. 3, मैं तो केवल एक पेड़ हूँ, मेरा नाम है नीम. आज मेरा जन्मदिन है. 5, कर्मवीर निर्धन परिवार का प्रतिभाशाली नवयुवक था. 2 अंकों के लिए जोड़ियाँ मिलाइए. 4 अंकों के लिए. अगट, एक सैनिक क, देश की रक्षा करना. 2, वकील ड, कोर्ट में केस लड़ना. 3, चालक ब, गाड़ी चलाना. 4, कुम्हार अ, मिट्टी के बर्तन बनाना. क, मुझे पहचानो और लिखो. 1, मैं जंगल का राजा कहलाता हूँ, शेर. 4 अंकों के लिए है. 2, मुझे रंगी बिरंगी पंख मिले हैं, मोर. 3, मैं कविताएं लिखता हूँ, कवि. 4, मैं गांव का मुखिया हूँ, सरपंच. इस तरह से प्रश्न पूरा करना है. अगला प्रश्न तीसरा, ओ, 5 अंकों के लिए. उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो. 1, जीवन में परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है. 2, हम कान से सुनते हैं. 3, ताजमहल आगरा में है. 4, अन्न किसान खेतों में उगाता है. नीम ने हमेशा सबको सुख देने की ठानी है. अगला प्रश्न भी लिंग बदलिए. आदमी औरत, भाई बहन. समानार्थी शब्द लिखो. पेड़ वृक्ष, कहानी कथा. विरुद्धार्थी शब्द लिखो. एक अनेक, धरती आसमान. वचन बदलो. तारा तारे, बूंदे बूंदे. प्रश्न चौथा, किसी एक विषय पर 8-10 पंक्तियां निबंध लिखो. 6 अंकों के लिए. पेड़ हमारे मित्र, मेरी माँ, मेरी पाठशाला, मेरा प्रिय त्यौहार. इन चारों में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है. मैंने मेरी पाठशाला पर निबंध आपको लिख के बताती हूँ. हमारे जीवन में सफल बनने में पाठशाला का सबसे बड़ा योगदान होता है. पाठशाला एक मंदिर के समान है.
जहाँ हम रोज पढ़ने आते हैं ताकि अपने जीवन में उज्जवल भविष्य प्राप्त कर सके। मेरी पाठशाला का नाम शुभदा विद्यालय है। वह बहुत बड़ी और अच्छी पाठशाला है। हमारे पाठशाला में कक्षा पहली से बारहवीं तक के विद्यार्थी पढ़ने आते हैं। यहाँ विद्यार्थियों के लिए कंप्यूटर और बड़ा खेल का मैदान है। अच्छे टीचर है, इसलिए मेरी पाठशाला सबसे अच्छी है। अशा प्रकारे मित्रांनो, आज आपण इयत्ता सहावी पाचवीची हिंदी विषयाचा प्रथम सत्र परीक्षेचा पेपर आपण या ठिकाणी उत्तरासहित सोडवलेला आहे। हा पेपर आपल्याला नक्कीच उपयोगी ठरणार आहे। यासारख्या इतर विषयांच्या प्रश्नपत्रिका पाहण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनवर क्लिक करा। डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये सर्व विषयांच्या व्हिडिओ दिलेले आहेत, तेही पहा। थँक्यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सबस्क्राईब। काही अडचण असल्यास कमेंट करून नक्की विचारा। आपल्याला त्या विषयाची लिंक पाठवली जाईल।